नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजे न्यूज। मंत्री अनिला भेड़िया ने वीडियो संदेश जारी कर कोरोना के दौरान दुनिया छोड़ चुके लोगों के लिए प्रार्थना करने का निवेदन किया है। कई लोग अपने लोगों को छोड़ के चले गए, कई परिवार एक दूसरे से बिछुड़ गए, ऐसे साथियों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना रखा गया है। और कुछ अपने अभी कोरोना महामारी से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की जल्दी से स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना रखा गया है। तो हम सबको इस प्रार्थना में भाग लेनी चाहिए और हर व्यक्ति जो जहाँ है, जहाँ पर है, अपने घर में, अपने ऑफिस में या जहाँ पर भी हो, ऐसे जगह में आप 2 मिनट के मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। दल्ली राजरा में ट्रैफिक लोड बढ़ा, परंतु अब तक यातायात विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बड़ी गाड़ियों के कारण कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। नागरिकों की मांग, पहले की तरह नो एंट्री शुरू कर दल्ली राजरा में ट्रैफिक दबाव कम किया जाए। रायपुर विधायक विकास उपाध्याय का अनोखा प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ रिंगटोन लॉन्च किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छे दिन का नारा लेकर इस देश में आए थे, लेकिन 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार और महंगाई को ऊपर ले जाकर जा रहे हैं। लगातार इसका असर आम जनता के घर पर पड़ रहा है। पहले ही GST, लॉकडाउन, नोटबंदी के कारण आम आदमी परेशान है, कोरोना के कारण परेशान है। लोगों के जो काम थे वो काम छिना गए, जो लोगों के रोजगार थे वो रोजगार छिना गए। और अब जब हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी पेट्रोल डीजल का दाम इतना नहीं बढ़ा होगा जितनी तेज गति से खाने पीने के सामान, खाद्य पदार्थ, पेट्रोल डीजल, यात्रा, हर चीज़ का रेट बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने किया है। 100 रुपया पेट्रोल और 200 रुपया तेल है के नारे को लेकर एक रिंगटोन अभियान हम चला रहे हैं, जिसमें जनता की आवाज़ को हर मोबाइल में, हर लोगों की आवाज़, हर व्यक्ति की आवाज़ बनाने का संकल्प हम लोग लिए हैं, जिसको लेकर हर चौक चौराहे में जाकर युवा साथियों के बीच में, सीनियर साथियों के बीच में ले जाकर इस रिंगटोन का विमोचन कर रहे हैं, ताकि ये रिंगटोन सबके पास पहुंचे और सब ये सोते हुए लोग जो चैन की नींद सो रहे हैं, पूरे देश की जनता के घरों की नींद को उड़ाकर, उनके चैन को छीन कर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता चैन से सो रहे हैं, इनको चैन की नींद से जगाने के लिए इस अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद सहित 3 और विधायकों को छत्तीसगढ़ प्रदेश संचार विभाग में प्रवक्ता बनाया गया। ये नेता कांग्रेस सरकार की कार्यों का विवरण मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। बालोद कांग्रेस जिला महामंत्री रतिराम कोसमा ने विधायक कुंवर सिंह निषाद को प्रवक्ता बनाए जाने पर अपनी बधाई प्रेषित की है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक बाम्बेश्वर ने अपनी जंबो टीम किया घोषित। सालों से उपेक्षित कांग्रेसियों को दिया सम्मानजनक पद, अशोक बाम्बेश्वर के इस कदम से दल्ली राजरा में कांग्रेस होगी पहले से ज्यादा मजबूत। इस घोषणा के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक बाम्बेश्वर का बड़ा बयान, कहा संगठन से बड़ा कोई नहीं, जो भी पार्षद एल्डरमैन संगठन के 3 बैठक में बिना किसी आवश्यक कारण के अनुपस्थित रहेगा उसे नोटिस जारी कर संगठनात्मक कार्रवाई करूंगा। संगठन में गुटबाजी या खेमेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा, अगर संगठन की एकता बनाने उसे पार्टी से निष्कासित करना पड़े तो उससे भी परहेज नहीं करूंगा। बालोद जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश यादव को हुआ मात्र शोक। राकेश यादव की माता के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने फोन कर गहरा शोक व्यक्त करते हुए राकेश यादव को ढाढ़स बंधाया। भारतीय मजदूर संघ में पुनः मुश्ताक अहमद को जिला महामंत्री बनाते हुए अन्य कार्यकर्ताओं को भी दिया गया सम्मानजनक पद।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिला राजनांदगांव के अध्यक्ष शंकर साहू के नेतृत्व में शहीद स्वर्गीय श्री मिलापराम सोरी के प्रथम पुण्यतिथि व मूर्ति स्थापना लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होकर फेडरेशन ने परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष संजीव सिंह का बड़ा आरोप, एवरेज बिल के नाम पर राज्य सरकार जनता को लूट रही है, कांग्रेस सरकार में आते ही अपनी सारे वादों भूल चुकी है, ना बिजली का बिल हाफ हुआ है ना किसानों का कर्ज माफ हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश दिल्ली राजधानी व आसपास की खबरों के लिए आप देखते रहें SJ News।